हो जाएंगे शिव ओ घड़ी शंकर सात दिन की कथा में ये आत्मा परमत हमारे बाबा देवदिदेव महादेव के हो जा रहे। मरने के बाद लोग शमशान लेकर जाते हैं मरने के। अभी हम जब बाबा जी के साथ में काल भैरव जी का दर्शन करने जाने के बाद की गारंटी हमारी नहीं है, क्योंकि हमने स्वर्ग नहीं देखा और न हमने नरक देखा। पर जीते जी की गारंटी तो है कि एक बार जो जीते जी विश्वनाथ के चरणों में आ जाता है वो स्वर्ग का अनुभव पृथ्वी पर ही कर लेता है। इतना अनुभव पृथ्वी पर कर लेगा कि मैं बाबा विश्वनाथ की धरा से आया हूं, बाबा के चरणों से होकर आया हूं, मैं विश्वनाथ जी की धरा से माँ गंगा का स्नान कर आया हूं, मेरे बाबा ने मुझे बहुत खुशियां दी है। यहां से जाने पर मेरी जितनी जीजियां, जितने मेरे जीजा, जितनी बेटियां, जितने मेरे बेटा, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा यहां से जाने के बाद अपने घर पर जब जाओ इतने प्रसन्न दिखना कि घर के लोगों के मन में भी आ जाए ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना लेकर आ गई कि ये काशी से आने के बाद इतनी मुस्कुराने लगी। पर ऐसा भी मत हंसना कि घर के लोग तुम्हें कहीं के बाबा जोगी से झाड़ा लगवाने ले जाए, ऐसा भी मत किया। हमने एक बार कह दिया कि घर जाकर खूब मुस्कुराना, तो एक बहू गई तो वो बिल्कुल बाल खुले गंगा नहा के गई थी और घर पे जाते से ही और यहां से यहां तक सिंदूरा और फिर उसको हंसने दो। अरे नाम की दौलत कभी कभी होती है अपनी काशी में शिव पुराण कभी कभी, और दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। माटी में मिल जाती है दौलत कभी कभी, होती है अपनी काशी में शिव पुराण कभी कभी। बड़ी मुश्किल से मिली है, और काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, और माटी में मिल जाती है ये काया कभी कभी, होती है अपनी काशी में शिव पुराण कभी कभी। बड़ी मुश्किल से मिली है, और बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, जाते हैं पड़ोसी के बेटा कभी कभी, और बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। ले जाते हैं जमाई कभी कभी, होती है अपनी काशी में शिव पुराण कभी कभी। ना जाने कौन से भाग्य कौन से पुण्य आपके और हमारे हुए होंगे जो काशी विश्वनाथ की धरा पर आपको कथा नहीं सुनना थी वो तो मेरे विश्वनाथ बाबा को सुनना थी तो करवाएंगे, उनको सुनना थी, इसलिए सतुआ बाबा जी ने जगह भी ऐसी चुनी कि सामने विश्वनाथ हैं।
और इधर शिव पुराण की कथा, सामने बैठे बाबा सुने। सामने बैठ कर वो श्रवण, और इत शिव पुराण है उत विश्व नाथ है और बीच में गंगा बहे धीरे धीरे। ये शिव की उदारता है, ये शंकर भगवान की उदारता है, ये मेरे शिव भगवान की, मेरे विश्वनाथ की उदारता है, ये उनकी करुणा है। जो विठले सेवा समिति ये तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा का रस तत्व ग्रहण करा रही है, ये भगवान शंकर की उदारता के बिना हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। पहली ओमकारेश्वर, दूसरी पहली महाकालेश्वर, दूसरी ओमकारेश्वर, तीसरी विश्वनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग का जो नियम लिया है समिति ने, उसको पूर्ण कराने वाला कोई दूसरा नहीं है, पूर्ण भी मेरा शंभू ही कराएगा, मेरा शंकर ही कराएगा, कराने वाला। कल महाराज जी एक माता जी कह रही थी कि गुरु जी आ करवाने में और एक कथा की व्यवस्था करने में सबको आना रहना प्रसाद ये वो सारी व्यवस्था, लाइट पानी विद्युत विभाग ये विभाग PWD विभाग सारे विभाग। श्री शिवाय नमस्तु ऋषि नारद अपनी बहन ऋषिका के घर में जा रहे हैं भोजन के लिए, बीच में भगवान श्री नारायण उनकी प्रसन्नता देखकर उनके पास चले। अभी कथा में कहा कि आपके चेहरे की प्रसन्नता परमात्मा को खींच कर आपके पास लेकर आ जाए। सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा गिफ्ट परमात्मा ने हर एक मनुष्य को दिया है तो उसके चेहरे की स्माइल दी, उसके चेहरे की प्रसन्नता दी। बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल आपकी प्रसन्नता परमात्मा को नजदीक लेकर आती है। खिलता हुआ फूल अच्छा लगता है या मुरझाया हुआ फूल अच्छा लगता है? जम के बोलो जरा, खिलता हुआ।
तो आपका चेहरा भी खिलता हुआ ही परमात्मा स्वीकार करता। बासी फूल तो भगवान के पास से भी उठाकर विसर्जन में डाल दिए जाते हैं, उसी तरह आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपके चेहरे की स्माइल, आपके चेहरे की खुशी परमात्मा को करीब में लेकर आती है। नारद जी के चेहरे पर प्रसन्नता थी, तो भगवान देवऋषि नारद की प्रसन्नता देखकर भगवान विष्णु लक्ष्मी नारद जी से मिलने के लिए चले। बीच मार्ग में भगवान नारायण नारद जी को देखकर रुक गए। पूछा, नारद आज आपके चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता है, बहुत खुश हो रहे हो आप, आपके चेहरे की इतनी प्रसन्नता कारण क्या है, क्या कारण है जो आप इतने प्रसन्न नजर आ रहे हो, किस चीज की प्रसन्नता, आप यहां से जाएं तो आपके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, घर के लोग पूछें कि इतनी प्रसन्न क्यों दिख रही है, तो वहां जाकर तुम भी कह सको कि लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माले काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसी लौटाया वो मन ही मन घर शाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन घर शाया, अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। आप यहाँ से जाने पर, घर पर जाने के बाद आपके चेहरे की प्रसन्नता कोई पूछे कि तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो, तो उसको बता देना कि मेरी प्रसन्नता का कारण मेरे देव अधिनियम महादेव को मैं अपने मन की बात कहकर आ गई हूँ। अपने दिल से 7 दिन रहकर गंगा स्नान कर बाबा विश्वनाथ से मैं अपने मन की बात कहकर आ गई हूँ। और रोज गंगा नाव से पार करती थी, फिर आती फिर जाती, मतलब मैं जान गई कि सतुआ बाबा ने भी बड़ी समझदारी से ये कथा को रखा गंगा के पार, इसलिए कि तुम्हारी नैया विश्वनाथ पार कर दे, इसलिए कथा इस पार दे, ये विश्वनाथ बाबा तुम्हारी नैया पार कर दे, ये सोच कर ये विचार कर गंगा के पार इस कथा को रखा गया। प्रसन्न रहो, खुश रहो। और हम तो मेरे देव अधिदेव महादेव से बस यही प्रार्थना करते हैं, मेरा ओगढ़ दानी मेरा शंभू इतनी प्रसन्नता आपके जीवन में दे, इतनी प्रसन्नता दे कि बाबा आपकी प्रसन्नता देखकर मेरा शिव शंकर भी खूब प्रसन्न होकर वर देता रहे, यही प्रसन्नता का भाव। आप जैसे संत बड़े प्रसन्न रहते हैं, संतों का भाव देखिए, आप सारे संतों को दर्शन करेंगे, साधुओं का दर्शन करेंगे, आप कुंभ के मेले में जाएंगे, कल माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी कह रहे थे कि कुंभ का मेला पूरे महाराष्ट्र के लिए वहीं की वहीं पहुंचेंगे, बड़े भाव से कथा का लाभ ले रहे हैं। चेहरे की प्रसन्नता कम मत, भगवान नारायण और माता लक्ष्मी थोड़ी मिठास करिए इसको, थोड़ा मीठा करिए।